Hello students, how are you? Hope you all are doing good. Welcome back to my channel, Vishi's Academy. Today we will learn about types of personal computers. In the previous video, I have already told about what are computers, input and output devices and its functions. So what are personal computers? Computers used for general purposes at home by end users are called personal computers. इसमें जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आती हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में, उसमें इंक्लूड होती है आपकी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेसेस, वेब ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट्स, गेम्स एट्सेट्रा. अ पर्सनल कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एट होम और इन ऑफिस. नाउ इफ वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, सो स्टूडेंट्स इन डे टू डे लाइफ यू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. लाइक इन स्कूल यू यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर, एट होम यू यूज योर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर, समटाइम्स वी यूज टैबलेट्स. सो वॉट ऑल दे आर पर्सनल कंप्यूटर्स. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. नाउ लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन. First we will discuss desktop computer. So what is a desktop computer? Desktop computer is a personal computer that is designed to be used on a desk or a table. Basically जो computer होता है वो table या desk के लिए design किया जाता है, उसे हम बोलते हैं desktop computer. Desktop computer size में बड़े होते हैं compared to laptop और palm tops. ये जो कंप्यूटर होते हैं ये रेगुलर यूज़ के लिए होते हैं, जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं, कि आप एक ही लोकेशन पे, उसको सिंगल लोकेशन पे ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं. दे आर नॉट पोर्टेबल. नॉट पोर्टेबल दैट इज यू कैन नॉट टेक देम एनीवेयर एज अ लैपटॉप और पाम टॉप. दीज कंप्यूटर्स आर यूजुअली यूज्ड एट होम्स एंड ऑफिसेस. नाउ द सेकेंड वन इज लैपटॉप्स. लैपटॉप्स आर ऑल्सो नोन एज नोटबुक्स. They are generally small in size and look like a small briefcase. They run on a single battery or from external power supply. Laptops contain all the components of computer like mouse, keyboard, speakers, etc. Laptops are mostly used by mobile users who travel extensively. Laptops are more expensive than desktops. Laptops जो होते हैं ये desktop से थोड़े से expensive होते हैं. एक्सटर्नल डिवाइसेस को आप लैपटॉप से अटैच कर सकते हैं. एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट इज स्पीकर्स, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एट्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट वन इज पाम टॉप्स. पाम टॉप्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, दैट इज PDA. दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड पाम टॉप्स एज दे फिट इन टू योर पाम्स. पाम टॉप्स यूज स्टाइलस फॉर इनपुट ऑफ डेटा. PDAs have color screens and are used as mobile phones, web browsers or as portable media players. Many PDAs have touch screen technology in them. Palm tops जो होते हैं basically calculator के size के होते हैं, जो आपके palms में easily fit हो सकते हैं. Now the next one is handheld PCs. Handheld PCs are extremely small अगर हम compare करते हैं laptop से, लेकिन ये जो होते हैं palm tops से बड़े होते हैं. ये पोर्टेबल होते हैं, मतलब आप इनको कहीं भी कैरी कर सकते हैं. एंड ऑल्सो कॉल्ड एज नी टॉप्स और अल्ट्रा पोर्टेबल कंप्यूटर्स. दे हैव स्मॉलर कीबोर्ड्स एंड स्क्रीन्स कंपेयर टू लैपटॉप्स. दे हैव ऑल द फीचर्स ऑफ अ नोटबुक एंड ऑल्सो रन सिमिलर एप्लीकेशंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज टैबलेट पीसीज. टैबलेट पीसीज में आपको एक टच स्क्रीन दी होती है. इसमें लैपटॉप की तरह आपको कीबोर्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें आपको एक पेन प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप स्क्रीन पे टच करके उसमें इनपुट दे सकते हैं और डायरेक्टली स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. जितने भी टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें वायरलेस अडेप्टर होता है इंटरनेट के लिए और लोकल नेटवर्क कनेक्शन के लिए. These PCs are commonly used by professionals like doctors and sales officers at their workplaces. Go through the video for your better understanding, and if you have any query related to the video, you can comment in the comment section. Thank you. Take care.